राजस्थान की 15 यूनिवर्सिटी और 500 से ज्यादा कॉलेजों में आज छात्र प्रतिनिधियों की किस्मत का फैसला होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। जयपुर में चारों संगठक कॉलेजों सहित यूनिवर्सिटी कैंपस की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में हो रही है। दोपहर बाद तक परिणाम घोषित होंगे। छात्र संघ चुनाव के परिणाम को लेकर छात्रों में उत्साह का माहौल है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो छात्र संघ चुनावों में आज छात्र प्रतिनिधियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। दोपहर 2 बजे बाद सभी परिणाम आ चुके होंगे और उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कौन होगा, महासचिव कौन होगा, इसका पता चल जाएगा। सभी दावेदार उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आज मतगणना शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संवाददाता रमेश कुमावत। रमेश, आज मतगणना होने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, प्रतिनिधियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल सौरभ, इस वक्त मैं उसी कॉमर्स कॉलेज के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मतपेटियाँ रखी गई है। वहीं के दरवाजे आप यहाँ पर खोले जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो गेट है, ये वो दरवाजे बनाए गए हैं जहाँ पर मतपेटियाँ रखी गई है। और ये आप देख पा रहे हैं, सील खोली जा रही है और इसी गेट के खोलने के बाद जो प्रत्याशी हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद ही मतदाताओं किन्ने जो वोट डाला है, जो मतपेटियां हैं और उसके अंदर जो प्रत्याशियों का किस्मत का जो फैसला है वो हो पाएगा। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये स्ट्रांग रूम के बाहर का नजारा है। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही मतपेटियों को रखा गया है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो बाकी की तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो चैनल गेट है उसकी जो सील है वो खोली जा रही है। ताला कल काउंट वोटिंग होने के बाद यहाँ पर बंद कर दिया गया था और उसके बाद अब ये जो ताला है वो खोला जा रहा है। आप तस्वीरों में जिन लोगों ने सील यहाँ पर पैक की थी, पहले उम्मीदवारों को बुलाया गया, जो प्रत्याशी थे उनको बुलाया गया और उसके बाद उनकी ही मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में ये ताले खुलवाए गए हैं। और उसके अलावा जो है मतपेटियां जिन कक्षों में रखी गई है, जो जिस स्ट्रांग रूम में रखी गई है, उनके भी ताले और उनके भी दरवाजे यहाँ पर खोल दिए गए हैं और अब से कुछ ही देर में लगभग सभी प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी प्रत्याशियों के जो एजेंट्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि जो उम्मीदवारों ने जिसकी किस्मत में फैसला लिख रखा है उसकी कुछ ही देर बाद में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, काउंटिंग तो शुरू हो जाएगी, सभी को इंतजार है परिणामों का, तो वो परिणाम कितने बजे तक आ जाएंगे जिसके बाद पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कौन है और सभी पदों की सबको जानकारी मिल जाएगी? बिल्कुल सौरभ, बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय के अपेक्स पदों की तो यहाँ पर 10,050 वोट डाले गए हैं, ऐसे में संभावना है क्योंकि ये जो वोटों का आंकड़ा है ये काफी बड़ा है। ईवीएम में बड़ी जल्दी और आसानी से काउंटिंग हो सकती है लेकिन ये बैलेट पेपर से ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में एक लंबा वक्त लगने वाला है और संभावना ये जताई जा रही है कि 2 बजे तक जो है ये जो चुनाव है इसकी काउंटिंग हो पाएगी और उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएगा। इसके अलावा जो राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज हैं उनमें लगभग किसी में 1200 वोट हैं, किसी में 1500, राजस्थान कॉलेज में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं लगभग 2000 के आसपास, तो वहां पर तो 2 से 3 घंटों में संभावना है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अपेक्ष पद हैं वहां पर सबसे ज्यादा लंबा समय लगने वाला है और संभावना ये जताई जा रही है कि 2 बजे या 2 बजे के बाद तक इन चुनाव परिणामों का खुलासा होगा और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण और बाकी जो तमाम प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। रमेश, मतदान हो गया, आज परिणाम भी आ जाएंगे, मतगणना शुरू होने वाली है, लेकिन इसी बीच एक फोटो वायरल हो रही है जो कि बैलेट पेपर की है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी, आरोपी को पर गिरफ्तारी की जा सकती है।
बिल्कुल, प्रशासन का ये दावा था कि इस पूरे चुनाव के दौरान मोबाइल फोन की एंट्री अलाउ नहीं है, बिना मोबाइल फोन के ही जो वोटर्स हैं उनको अंदर भेजने का प्रशासन ने दावा किया था, लेकिन एक तस्वीर के वायरल होने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की जो दावे थी, जो पोल थी, वो खुलकर सामने आ गई। एक जो वोटर था उसने वोट देने के बाद उस बैलेट पेपर की फोटो खींच के वायरल कर दी थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की पोल खुलकर सामने आती है। ऐसे में जब विश्वविद्यालय प्रशासन से और DSW से इस बारे में सवाल किए गए तो वो अपनी व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन उनने ये कहा है कि कहीं तो भी ऐसी एक चूक हुई है जिसमें कोई भी ऐसा एक वोटर रहा है जो मोबाइल फोन अंदर ले जाने में कामयाब रहा और उसने बैलेट पेपर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ऐसे में प्रशासन अपने स्तर पर जांच करवा रहा है और कार्रवाई की भी बात कर रहा है कि कौन, क्योंकि CCTV यहां पर लगाए गए हैं तो संभावना है कि CCTV कैमरे में अगर प्रशासन बहुत बारीकी से नजर रखेगा, वीडियो फुटेजेस देखेगा, तो संभावना है कि जिस भी वोटर ने इस तरीके की हरकत की है वो प्रशासन की गिरफ्त में आ जाए, जल्दी उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। ये आप देख रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज की, जहां पर पेटियां जो हैं, मत पेटियां हैं जिनमें वोटर्स ने अपने वोट डाले हैं, वो लेकर जाई जा रही है स्ट्रांग रूम से। इस वक्त आप पेटियों की तस्वीरें देख सकते हैं, पेटियां स्ट्रांग रूम से बाहर निकाली जा रही है, अब वो काउंटिंग हॉल में लेकर जाएगी, वहां पर प्रत्याशियों के सामने इन मत पेटियों के अंदर रखे हुए वोटों की गिनती की जाएगी। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप A1 TV पे देख सकते हैं, स्ट्रांग रूम से वो जो मत पेटियों के बॉक्सेस हैं वो ले जाए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है, कई कैमरों से इसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई जा रही है। सील पैक इसे किया गया था सभी प्रत्याशियों के सामने, उस सील को खोला गया, उस तालों को तोड़कर, उन तालों को खोलकर इन मतपेटियों को निकाला गया और उसके बाद जो है मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन में, उनकी मौजूदगी में ये तमाम प्रकार की ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं मतपेटियों को काउंटिंग हॉल में ले जाया जा रहा है और वहां पर जो है प्रत्याशियों के सामने ही इन वोटों की गिनती होगी। रमेश, एक बड़ी बात यह भी है क्योंकि जैसे ही परिणाम आएंगे तो कुछ लोग, जो कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं, जो जोश में होश खो देते हैं। ऐसे में अमूमन देखा गया है कि जब परिणाम आ जाते हैं तो जो हार गए हैं वो भी उपद्रव कर देते हैं और जो जीत गए हैं वो अपने जोश में होश खो देते हैं, तो उसको लेकर पुलिस के क्या पुख्ता इंतजाम है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल राजस्थान विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो हमेशा से ये सवाल बना हुआ रहता है कि सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है। कल भी पुलिस प्रशासन के द्वारा 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, क्योंकि वो काउंटिंग का नहीं वोटिंग का दिन था और आज सबसे बड़ा दिन है छात्र संघ चुनाव के लिहाज से, तो ये जो है वहां पर व्यवस्थाएं जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है उसमें पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारियों का ये दावा है कि 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इसमें 20 के आसपास RPS अधिकारी हैं, 25 के आसपास जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं वो किए गए हैं। और आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का ये कॉमर्स कॉलेज है और इसके चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। चारों तरफ आप पुलिस के जवान देखेंगे, खाकी वर्दी में जो पुलिस के जवान हैं चारों तरफ वो ही जवान नजर आएंगे। हर एक व्यक्ति पुलिसकर्मियों के द्वारा लगातार यहां पर चहलकदमी की जा रही है, किसी भी व्यक्ति को अब जो है यहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। हम राजस्थान कॉलेज का ये जो पूरा नजारा है, पूरा जो कैंपस है वो किस तरीके से कवर्ड किया गया है पुलिस के द्वारा, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या न सिर्फ कॉमर्स कॉलेज में बल्कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो मुख्य गेट है, क्योंकि शपथ का ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो वहीं पर आयोजित होगा, ऐसे में वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद हैं, राजस्थान कॉलेज हो, महारानी कॉलेज हो, महाराजा कॉलेज हो या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय का मुख्य गेट, सभी जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। मुख्य द्वार पर देखेंगे किसी भी व्यक्ति की यहां पर एंट्री ही नहीं है, जो प्रत्याशी हैं या फिर प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको ही इसके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, बाकी किसी भी व्यक्ति की यहां पर एंट्री नहीं है। आप इस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, स्ट्रांग रूम के ताले खुल चुके हैं और अब मतगणना शुरू होने वाली है, क्या कुछ माहौल है इस समय यूनिवर्सिटी के अंदर?
बिल्कुल, इस वक्त मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटिंग अब से काउंटिंग जो है वो होने ही वाली है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं और इनके सामने ही जो वोटों की है वो काउंटिंग होने वाली है। कई कैंडिडेट्स यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन कुछ कैंडिडेट से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। निहारिका, क्या कहेंगे? खास दावा ये है कि सब लोगों ने अपनी छात्र नेता की मेहनत को पहचाना, छात्र शक्ति ने मेहनती संघर्ष जिसने एक्चुअल में तरातल पे रहकर संघर्ष करा, चाहे कुछ भी बैकग्राउंड को लेके या फिर उसको लेके, तो मुझे उसकी कदर है कि मुझे लगता है जरूरी है। काउंटिंग का दिन है, कितना एक्साइटमेंट है? काउंटिंग आज हो रही है, कितना एक्साइटमेंट है या फिर कैसा? एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत ज्यादा है काउंटिंग को लेके, क्योंकि कल भी बहुत अच्छा बिना किसी मतभेद के या फिर बिना किसी न्यूसेंस के वोटिंग हो गई। तो पहली बात तो मैं इसलिए खुश हूँ और दूसरा ये कि मेरा जीवन का पहला एक्सपीरियंस है ये वोटिंग वाला और इलेक्शंस का, तो मेरे लिए जरूर यादगार रहेगा, इसलिए मैं जरूर एक्साइटेड हूँ चाहे परिणाम कुछ भी रहे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? जीत को लेकर तो देखो पॉजिटिव ही रहता है सब, वो तो अंदर पता लगेगा। तो ये निहारिका जोरवाल थी, जो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है। इसके अलावा निर्मल चौधरी भी हमारे साथ हैं। निर्मल भाई, काउंटिंग का दिन है, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है, मेहनत की थी, आज उसका रिजल्ट, उसका आशीर्वाद मिलेगा। छात्र शक्ति ने किसको कितना आशीर्वाद दिया है, छात्र नेताओं को भी पता लगेगा कि धरातल पे जो मेहनत करता है उसको छात्र शक्ति किस प्रकार से आशीर्वाद देती है। धरातल पे जो छात्र शक्ति के लिए लड़ता है, कार्य करता है, उसको कैसे किस तरीके से वोट मिलते हैं। बाकी संगठन वालों ने मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे थे जिसको मैं खुद इतना थक गया था जेल जेल के, पर मेरी टीम ने, मेरे बड़े भाइयों ने इतनी मजबूती से मेरे को ताकत प्रदान करते रहे कि मैं दोहरी ताकत के साथ हमेशा लड़ता रहा। रात को जेल से छूटना, जमानत, चुनावी टाइम के अंदर आप यदि 10 घंटे जेल में रहते हो तो वो बड़ा एक नुकसानदायी काम रहता है, जिसको मैंने वापस बाहर आके रात को ही वापस मजबूती के साथ, मेरी टीम ने मजबूती से कार्य किया। कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दी कि निर्मल चौधरी जेल गया है, और आधी रात को जब कोर्ट खुले थे, जमानत हुई थी, जब मुझे लगा था कि वाकई में सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। कुल मिला के आखिरी सवाल इस पूरे चुनाव का, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, कितने कौन? 100% आश्वस्त हूँ साहब। तो ये निर्मल चौधरी हैं जो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये वो नजारा है जहां से अब से कुछ ही देर में जो है कैंडिडेट्स अंदर प्रवेश करेंगे और कुछ ही देर में यहां पर काउंटिंग शुरू होने वाली है। चीफ प्रोक्टर साहब हमारे साथ हैं, सर काउंटिंग शुरू होने वाली है, किस तरीके की आगे ये पूरी प्रक्रिया? बस अब काउंटिंग की तैयारी चल रही है और अपने कैंडिडेट या कैंडिडेट के एजेंट आप देख रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं अंदर, पर अभी थोड़ी देर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब से कुछ ही देर में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष पद का है वो फैसला होने वाला है। ये वो काउंटिंग हॉल है जहां पर मतपेटियां रखी गई है और कुछ ही देर में यहां पर मतों की गणना शुरू होगी। कैंडिडेट्स अंदर जाना शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद अपेक्ष पदों के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं सीधा A1 TV पर लाइव, जहां से कैंडिडेट्स की पूरी चेकिंग की जा रही है। मोबाइल फोन अंदर अलाउड नहीं है, ऐसे में पूरी चेकिंग के बाद ही कैंडिडेट्स को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और उसके बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ही राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन अध्यक्ष होगा उसका फैसला सामने आएगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ A1 TV के लिए रमेश कुमावत। तो अब से कुछ ही देर बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में काउंटिंग का दौर चालू हो जाएगा और सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जीत को लेकर